अरे यार कितनी गर्मी है, थक गई मैं तो। अबे ओए एक काम करियो, जरा मेरा सामान थर्ड फ्लोर पे रखाइयो। ले। मगर मैडम ये काम मेरा थोड़ी है। अबे ओ ज्यादा ना जबान चलाने की जरूरत नहीं है, तू मामूली से ना गार्ड है, मेरे सामने ना ज्यादा शान पत्ती में दिखा। ये ले जो कह रही हूँ ना वो चुपचाप कर, देख वो रहा मेरा फ्लैट जा रखे है वहाँ पे। मैडम देखिए ऐसे बदतमीजी से बात मत करिए, हमको मालूम है कि हम गार्ड हैं और हम अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, और वैसे भी ये सामान उठाना आपका निजी काम है, आपको खुद करना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है जो मैं आपका सामान उठाकर आपके फ्लैट में रखूं। अच्छा तो मैं तुझसे जबान लड़ा रही हूँ, एक तो मैं जो काम बोल रही हूँ तो वो कर नहीं रहे, और ऊपर से तो मुझे ही बोल रहे कि मैं तुझसे जबान लड़ा रही हूँ। देख ज़्यादा ना बोल मत, जो कह रही हूँ ना चुपचाप से वही कर, समझ में आया तुझे? देखिए मैडम जी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मान लीजिए मैं चला गया और किसी ने मेरी कंप्लेन कर दी, फिर मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, आप अपना काम खुद कर लो। कोई बात नहीं, अभी ना तुझे ये बात समझ नहीं आएगी, जब मैं तेरी कंप्लेन करूँगी ना और जब तुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा तब तुझे समझ में आएगा किससे पाला पड़ा था तेरा। आया बड़ा मामूली सा गार्ड। अरे मैडम मैडम मेरी बात तो सुनिए, हद है यार, एक तो हमसे ही बदतमीजी कर रही है और ऊपर से हमारी ही कंप्लेन करेंगी। गार्ड ने ना दिमाग खराब करके रख दे, इसको तो मैं देख लूंगी अच्छे से, पता नहीं क्या समझता है अपने आप में। क्या हुआ इतने गुस्से में कैसे हो? यहाँ मैं इतनी परेशान हो रही हूँ और तुम बैठ के फोन चला रहे हो, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना तुम्हें मेरी? बात क्या हुई है, बात तो बता। तुम्हें पता है ये जो गार्ड है ना ये बहुत बदतमीज है, दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। कौन सा गार्ड, ये अपने वाला? हाँ ये अपनी सोसाइटी का गार्ड, मैंने इसे प्यार से बस यही बोला था कि भैया मैं बहुत थक गई हूँ, बस ये सामान ना थर्ड फ्लोर तक रखवा दो, मना कर दिया साफ। एटीट्यूड देख रहे हो इसका, कितना एटीट्यूड है इसके अंदर। हाँ मैंने देखा तो था अभी। अरे गार्ड भैया। जी साहब। ए बड़े जरा आना। जी साहब। हाँ जी साहब क्या हुआ? भैया एक बार मेरी गाड़ी खराब हो गई, एक बार धक्का लगा दोगे? अभी लगा देता हूँ। अरे चलो भैया। ये देखो देखो इसे, अभी मैंने इसको हेल्प के लिए बोला था, इसने मेरी हेल्प नहीं करी और ये वहां गाड़ी में धक्का लगा रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, मैं ना इसकी कंप्लेंट करूंगी और इसकी नौकरी हटवा के रहूंगी, देखते रहो तुम। अरे सुन 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 सुन, अरे किसी की सुनती नहीं है। अबे ओ जब मैंने तुझे अपनी हेल्प के लिए बोला था तो तूने मुझे साफ मना कर दिया था और अभी तूने उस गाड़ी वाले की मदद करी, हाँ ऐसा क्यों? अरे मैडम दरअसल बात ये थी कि उन साहब की ना गाड़ी खराब हो गई थी, तो उन्होंने मुझसे बोला थोड़ा सा धक्का लगा दो भाई, तो मैंने धक्का लगा दिया, उन्होंने बस मुझसे मदद मांगी थी। तो मैंने कौन सा तुझसे पहाड़ तोड़ने के लिए कहा था, मैंने भी तो तुझसे अपनी मदद ही मांगी थी ना कि जाके थर्ड फ्लोर पे मेरा सामान रखा, मैंने तुझसे कुछ और करने के लिए कहा था, नहीं ना? मैडम देखिए ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रही हैं, आप गलत समझ रही हैं। बस तुम जैसों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और जो तुम्हारी औकात है ना उसको तो और भी ज्यादा अच्छे से। अब तू देख तूने मुझे मना किया था ना बेटा, अगर तेरी नौकरी नहीं खा गई ना मैं तो मेरा नाम भी ना निहारी का नहीं, तू देखता था जरा। बस अब बहुत हो गया, जल्दी से ना इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट को कॉल करो और इसकी कंप्लेंट करो, मुझे ये जॉब पे अब नहीं चाहिए यहाँ पर। अरे तू शांत हो जा, क्यों बेचारे की कंप्लेंट करनी है, उसकी नौकरी चली जाएगी, गरीब आदमी है। मेरे को ना कोई बात नहीं सुननी, बस बहुत हो गया यार, ये कोई बात होती है? हमारी हेल्प नहीं करी बताओ इसने, बाहर वालों की हेल्प कर रहा है, बस इसकी कंप्लेंट करनी है, इसको नौकरी से निकलवाना है, पता चलेगा इसको जब नौकरी से जाएगा ना अच्छे सबक मिलेगी इसको। अच्छा बदतमीजी से बात करी, एक बात बताना जरा, उसका काम क्या है? वो वॉचमैन है, पहरेदारी करना उसका काम है, तुम्हारे थैले तुम्हारे घर तक पहुंचाना उसका काम नहीं है। हाँ तो मैंने कौन सा उससे पहाड़ तोड़ने के लिए कह दिया, हेल्प करने के लिए तो बोला था ना, और वो भी नहीं हुई उससे, उसके लिए भी मना कर दिया। निहारिका हेल्प मांगने का भी एक तरीका होता है, मैं ऊपर से सब देख रहा था जिस तरह से तुमने उसे बोला था, याद करना जरा, सब सुन रहा था मैं। लोगों से हेल्प मांगने का भी ना एक तरीका होता है, एक लहजा होता है,
जिस तरीके से तुमने उससे हेल्प मांगी, अगर तुम सेम तरीके से मुझसे हेल्प मांगती तो मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करता। और मेरी छोड़ो, अगर उसी तरीके से कोई तुमसे हेल्प मांगे तो क्या तुम करोगी? नहीं करोगी। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। भले ही वो वॉचमैन की नौकरी कर रहा है, पर है तो वो भी इंसान ना। तो हमारी इंसानियत कहाँ गई? भले ही वो वॉचमैन है, हमारी पहरेदारी करता हो, पर है तो वो भी इंसान ना। कम से कम हम उससे प्यार से तो बात कर सकते हैं, हमसे इतना भी नहीं होता? अगर हमें हेल्प की ज़रूरत हो ना, तो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ना कि ऑर्डर देना पड़ता है। अगर तुम प्यार से उससे रिक्वेस्ट करती तो वो तुम्हारा एक क्या, हो सकता है 10 काम भी कर देता। तुमने खुद ही देख लिया होगा उस गाड़ी वाले को, कितनी प्यार से रिक्वेस्ट करी थी उसने जब भी वो उसकी हेल्प करने गया ना। हमें स्कूल में यही सिखाया जाता है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जब तक हम इज्जत दूसरों को नहीं देंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते कि वो हमें इज्जत देंगे? अगर तुम चाहती हो ना कि लोग तुम्हें इज्जत दें, तो पहले तुम्हें उनको इज्जत देनी पड़ेगी। और वैसे भी इतनी छोटी सी ज़िंदगी है यार, दो बोल प्यार के बोल लेंगे तो क्या ही चला जाएगा। खैर छोड़ो ये सब बातें, अंदर चलो, अपना मूड ख़राब मत करो। और भैया कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैडम, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा भैया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आपको पानी की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बता देना, मैं ठंडा पानी ले आऊँगी। मैडम आप भी मुझको माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भी आपको ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया। आपने बस मुझसे एक मदद मांगी थी और मैंने, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए।